एक्शन। हाय, मैं तन्नु आहूजा। वैसे तो आपने मुझे देखा ही होगा, रोस्टर 5 में मैंने डेब्यू जो मारी थी। बाइक शाइक तो एकदम सॉलिड चला लेती हूँ मैं, पर ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ एक्चुअली ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। लाइफ में पैशन है मेरे, जज्बा है, रॉकस्टार एटीट्यूड है, और रियलिटी शोज में ये सब तो चाहिए होता है। पर मुझे क्या लगता है ना कि रियल लाइफ में भी ये बहुत जरूरी है। आई मीन मुझे देखिए, मैं एकदम रियल हूँ, पंगा ना ले, ये मेरे लाइफ का मोटो है यार। और अगर किसी ने मुझसे पंगा ले लिया ना, तो उस साले की तो भैंस मैं वही मार के छोड़ूंगी। आखिर हम अमृतसर के पंजाबनों का स्टाइल ही है। वैसे रोस्टर सीजन 5 के बाद मैं बॉम्बे में ही हुआ, तो इसीलिए मेरे पापा जी ना बार बार फोन करके बोलते रहते हैं, पुत्र आगे की पढ़ाई शराई कर ले। मैं क्या पापा जी, कहाँ जाऊं पढ़ाई करने? तो वो कहने लगे, तू मेरी शेयर नहीं है, तू तो ऑक्सफोर्ड जाएगी। मैंने क्या पापा जी, ऑक्सफोर्ड? ऑक्स माने बैल और फोर्ड वो गड्डी। अब बैल गाड़ी पे बैठ के भी कोई पढ़ाई कर सकता है क्या? मैंने कहा कैंसिल ही कर लो। वैसे ये वाली हंसी टीवी के लिए अच्छी है ना, या एक और करके दिखाऊं? यू नो वो एकदम गर्ली गर्ली टाइप की, या एकदम अलग लाउड वाली? नहीं अंकल जी, रुको ना रुको, आप कहाँ जा रहे हो? मैं इससे भी अच्छी करके दिखा सकती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। रियलिटी की स्टार बनने आई हूँ, यही तो मेरे लाइफ का पैशन है। अरे आप अंकल जी सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आखिर मैं मतलब नेक्स्ट रियलिटी स्टार हूँ, आप मुझे धक्के मार कर निकाल रहे हैं, फिर आप ही मेरे पीछे आएंगे मुझे बार बार फोन करके, तनु एक बार आ जा हमारे शो में, फिर मैं नहीं आना। आप ना बहुत बड़ा पंगा कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपकी भैंस तो मार के ही छोड़ूंगी। ये वाला कैसा था? क्या लगता है टॉप बॉस में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा?